सो व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज पवन। इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं टीवीएस की इकलौती इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बारे में, जिसका नाम है टीवीएस की आई क्यूब। तो अगर आप टीवीएस की आई क्यूब का दिवाली के आसपास परचेस करने की सोच रहे हो ना, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले अक्टूबर 2022 की लेटेस्ट प्राइस लिस्ट बताएंगे, और दिवाली पे आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल जाता है टीवीएस की तरफ से, तो उसके बारे में भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल होने वाली है। तो अगर गाइज आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नया आए हो ना तो जेंटलमैन बाइक्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो में हम टीवीएस की आई क्यूब के परचेजिंग का पूरा आपको प्रोसेस बताएंगे, जैसे कि उसके थोड़े से स्पेसिफिकेशन बता देंगे, कितना मिनिमम डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी, ईएमआई की कैलकुलेशन बताएंगे, और सभी वेरिएंट की जो इसके 3 वेरिएंट आते हैं उनकी ऑन रोड प्राइस बताएंगे, आपको आपकी सिटी की भी प्राइस बता देंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल होने वाली है। तो चलते हैं वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अगर आप स्पेसिफिकेशन की देखोगे तो नॉर्मल आई क्यूब और आई क्यूब एस की आपको जो रेंज देखने को मिल जाती है, तो 100 किलोमीटर की आपको रेंज देखने को मिल जाती है, और वहीं बात करें एस टी वेरियंट की तो वहाँ पर आपको 140 की आपको वहाँ पर रेंज देखने को मिल जाती है। और वैसे इसका लुक्स देख सकते हो, तो लुक्स की वजह से जो इसके सारे स्पेसिफिकेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसका लुक्स ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इसकी मोटर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जो इसका कस्टमर रिव्यू है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर परेशान हो रहे हैं इसको परचेस करके, तो कस्टमर सेटिस्फाइड है इस स्कूटी को परचेस करके और चला के, तो ओवरऑल बाइक की ये स्कूटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं इसके बारे में, इसके वेरिएंट के बारे में, तो 3 अलग अलग वेरिएंट में इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो तीनों वेरिएंट की अगर हम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो जो सबसे जो पहला जो वेरिएंट आता है ना वो आता है टीवीएस की आई क्यूब एस। तो अगर आप बात करोगे टीवीएस की आई क्यूब एस की प्राइसिंग के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग तकरीबन आपकी 1,34,000 रुपये की ऑन रोड जयपुर की प्राइसिंग पे देखने को मिल जाती है। सेकंड जो वेरिएंट आता है वो आता है टीवीएस की आई क्यूब स्टैंडर्ड, जिसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 1,30,000 रुपये की देखने को मिल जाती है। जो कि थर्ड वेरिएंट आता है ना वो आता है एसटी। अगर आप एसटी की प्राइसिंग की बात करोगे ना, तो इसकी प्राइसिंग तकरीबन आपको 1,45,000 रुपये के लगभग की देखने को मिल सकती है। अभी ये जयपुर में आई नहीं है, बट हम बता रहे हैं थोड़ा सा आइडिया कि आपको इस टाइप की प्राइसिंग पे देखने को मिल जाती है, बट जब अवेलेबल हो जाएगी तो कन्फर्म उसकी प्राइसिंग भी आ जाएगी। हम आपको डिटेल में प्राइस इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं टीवीएस की एस के बारे में, एक्स शोरूम जयपुर की प्राइस तो 1,62,402 रुपये की देखने को मिल जाती है। आरटीओ चार्जेस की बात करें तो तकरीबन आपको 300 से 900 के आरटीओ चार्जेस वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इंश्योरेंस की बात करें तो तकरीबन 5,460 रुपये का इंश्योरेंस चार्जेस देखने को मिल जाएगा। और अदर एक्स सीरीज़ की बात करें तो वहाँ पर आपको पोर्टेबल चार्जर की बात करें और भी एक्स सीरीज़ आती हैं, जिसको टोटल जोड़ के तकरीबन 5,800 रुपये के एक्स सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। वो आपके ऑप्शनल है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो नहीं ले सकते, बट इन ये सब मिला के जो आपकी जो प्राइस पड़ती है ना वो 1,74,000 रुपये की देखने को मिल जाती है, बट वहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तकरीबन 30,000 रुपये, तो उसकी प्राइसिंग जो निकल के आती है ना वो 1,32,000 रुपये आपकी ऑन रोड जयपुर की प्राइसिंग देखने को मिल जाती है। और उसके बाद भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जिसके बाद में आपको 15,000 रुपये कैशबैक भी देखने को मिल जाता है। तो आपकी जो स्कूटी की प्राइस है ना वो 1,15,000 से 20,000 रुपये की प्राइसिंग पे आपको टीवीएस की आई क्यूब इलेक्ट्रिक एस वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो ये था उसकी कुछ प्राइस का डिटेल। अब बात करते हैं टीवीएस की आई क्यूब को परचेस करना चाहते हो ना तो कितना इसके लिए आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो इसको परचेस करने के लिए आप मिनिमम 22,000 रुपये का डाउन पेमेंट पे करके इस स्कूटी को परचेस कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्कूटी, तो तकरीबन अगर आप 22,000 रुपये डाउन पेमेंट दे रहे हो तो 3 साल की जो इसकी किस्त जाएगी ना वो 3,500 रुपये की जाएगी। और अगर आप 2 साल की करवाना चाहते हो ना, तो अगर आप 2 साल की किस्त करवाना चाहते हो ना तो तकरीबन आपकी 4,500 रुपये किस्त जाएगी। जो ये मैं ईएमआई बता रहा हूँ ना, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है जो हम ईएमआई बता रहे हैं वही ईएमआई जाएगी, ये बस एक आपको नॉर्मली इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, वो कम्प्लीटली आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करती है ईएमआई सेक्शन। तो अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो ना तो आप हमारे चैनल जेंटलमैन बाइक्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में, बाय गाइज। और गाइज अगर आपको डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करना है ना, तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, पवनपाल02 के नाम से हमारे इंस्टा आईडी है, वहाँ पर आ सकते हो, हम आपको सजेस्ट करेंगे बेस्ट बाइक जो आपके लिए रहेगी, क्योंकि यार यूट्यूब पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, तो हम आप सबके कमेंट का इंस्टेंट रिप्लाई दे नहीं पाते। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर आओगे ना तो हम आप सबके कमेंट का इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। तो जल्दी से आना इंस्टाग्राम पर, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में शो हो रही होगी, तो जल्दी से आना गाइज इंस्टाग्राम पर।